मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा की सब्जी मार्केट को बंद कर दिया गया है। अब मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास सब्जी मार्केट खोली गई है। आपको बता दें कि ये मार्केट टीएमसी के निगरानी में खोली गई है। कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता देख मुंब्रा मार्केट को इसलिए बंद करवाया गया है कि लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ होती थी और सोशल डिस्टेंस लोग नहीं रखते थे, इसलिए मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास सब्जी मार्केट खोली गई है। ये मार्केट टीएमसी के कर्मचारी धनंजय गोसावी की देखरेख में चल रही है और टीएमसी के कई वर्कर यहाँ रहकर लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाने को कह रहे हैं। आज सुबह इस मार्केट का जायजा लेने के लिए डीसीपी सुभाष भोरसे, एसीपी घोसालकर और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट पहुंचकर मार्केट का जायजा लिए। हालांकि गोसावी ने बताया कि जब तक कोरोना वायरस का खतरा टलेगा नहीं तब तक मुंब्रा की सब्जी मार्केट बंद रहेगी। जिस किसी को भी दुकान लगाना है वो रेलवे स्टेशन के पास आकर टीएमसी द्वारा जो सब्जी मार्केट खुलवाई गई है उसमें दुकान लगा सकते हैं, मगर मुंब्रा मार्केट के सब्जी बेचने वाले टीएमसी के मार्केट में सब्जी बेचने नहीं जा रहे हैं। क्या कहा है सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कट और टीएमसी के अधिकारी धनंजय गोसावी ने? मुंब्रा मार्केट में जो गली है वो बहुत ही छोटी गली है और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ ये होती है। वहाँ सोशल डिस्टेंस जो रखना चाहिए एक एक मीटर का वो रख नहीं पाते हैं क्योंकि गली बहुत छोटी है। इसलिए परसों टीएमसी के गोसावी साहब और हमने तय किया था ये मार्केट ये जो रेलवे स्टेशन के बाजू में जगह है वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो कल हमने वो ये सब शिफ्ट किया था लेकिन आज कुछ व्यापारियों ने उनका कहना था कि हम नहीं जाएंगे तो उनको अभी इधर लाया है और यहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन्स हो रहा है और ये जगह बड़ी है, यहाँ लोगों का आना जाना और डिस्टेंस रखना पॉसिबल होता है, वो गली में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब तक ये लॉकडाउन पीरियड है तब तक ये मार्केट वहाँ लगेगा नहीं और जो लगाएंगे उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या और दुकानदारों को आप नहीं, मैं सभी दुकानदारों को और सभी सब्जी वालों को आह्वान करूंगा कि आप इधर आइए और यहाँ मार्केट में सब्जी बेचिए। ये जो अपना मुंब्रा मार्केट है उधर जो अभी मार्केट बिल्कुल बंद है उधर का, सभी लोगों को अपील किया था कि आप ये जगह बड़ी है इधर आ जाओ, अपने को एज पर गवर्नमेंट जो रूल है गवर्नमेंट ने जो अपने को बोला है कि सोशल डिस्टेंस अपने को मेंटेन करने का है वो पॉसिबल इधर है और उन लोगों को सभी लोगों को कल सभी लोग आए थे मगर कल आज कुछ लोग बोले नहीं हमको उधर धंधा करने दो, उधर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है इसके लिए बोला उधर धंधा बिल्कुल करने का नहीं, करने का है तो इधर आ जाओ। और दूसरा अल्टरनेट दे रहे ना उनको इधर बिठाएंगे, कल उनको इधर बिठाएंगे कल दूसरे को, ऐसा अल्टरनेट डे जो आपने को बोला है ये अल्टरनेट डेज को समझो जगह कम भी पड़ेगी तो अल्टरनेट डेज को अपन उनको हर एक को चांस दे रहे हैं मगर उनका कहना है कि हमको उधर ही बैठने तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड है उधर तक तो लॉकडाउन पीरियड तक उधर वो बैठ नहीं सकते। गोसावी सर जिस तरह से वो मार्केट में भाव को लेकर तमाम खबरें चली, भाव को लेकर हंगामा भी हुआ, जो टीएमसी की तरफ से ये मार्केट लगाई गई है तो क्या इसमें भाव जो है मुनासिब करेंगे? नहीं, कल तो लोग बहुत खुश थे, जो चार दिन संडे मंडे को जो भाव चल रहा था मार्केट में वो लपड़े में मेरे को नहीं जाने का, भाव के लपड़े में मेरे को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का काम में रहे, मगर लोगों की जो खुशियाँ थी बोल रहे थे कि उधर से ये मार्केट आ गए तो ज़्यादा बाजू वाले आ गए और अच्छा माल भी मिला और भाव भी थोड़ा हमको रिजनेबल मिला, ऐसा कल बात कर रहे थे। 24 अपना स्टाफ है हमारा अतिक्रमण इंक्रीमेंट डिपार्टमेंट का 24 और हर एक को बोला जा रहा है कि एक एक मीटर का डिस्टेंस, एक एक मीटर का एक एक लाइन में अपन दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच लोग छोड़े कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। कई लोगों को मालूम भी नहीं है तो भी उनको ऐसा सर्कल करके अपन और एक स्क्वायर करके और दुकानदार को बोला है जो सब्जी बेचता है पहले गिराई को बोलने का उधर खड़ा रहो चौकन में और फिर माल ले लो मेरे से, ऐसा सबको ताकी दिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।